हेलो एवरीवन तो दोस्तों आज है 20 दिसंबर 2023 और आज पेपर हुआ है एल एन एम यू बी सेमेस्टर फर्स्ट इंग्लिश मेजर कोर्स का दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सटीक आंसर भी बताएंगे और हाँ क्वेश्चन एक बार फिर से हमारे गेस्ट क्वेश्चन से देखने को मिला मैं आपको ढेरों गेस्ट क्वेश्चन कराया था और वहाँ से डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिला है तो चलिए क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं आप सभी को तो पता ही होगा टोटल आपको सत्तर मार्क्स का ही पेपर यहाँ पे देना होता है क्योंकि तीस मार्क्स का पेपर आपका कॉलेज खुद लेता है और इस सत्तर मार्क्स को सॉल्व करने के लिए आपको तीन घंटे का समय मिलता है और सवाल तीन प्रकार का ही पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो टोटल दस क्वेश्चन दिए गए हैं दसों का जवाब देना है एक क्वेश्चन दो मार्क्स का तो दस क्वेश्चन आपका बीस मार्क्स का हो जाएगा तो ये आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है बाद बाकी क्वेश्चन देख लीजिए आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कोर्ट फेस्ट इन अभिज्ञान शकुंतलम तो इसका जो राइट right आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड एक्ट फोर तीसरा जो क्वेश्चन है ये आपका है व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू कैपिटल बिल्ट बाय द पांडव तो इसका जो राइट right आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन इंद्रप्रस्थ अगला जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका राइट right आंसर हो जाएगा भरत मुनि क्वेश्चन है हु ओस रिटेन नाट्य शास्त्र तो भरत मुनि इसको लिखे हैं अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई नेम और नेम द कैरेक्टर हु नैरेट्स द महाभारत टू टू धृतराष्ट्र तो इसका जो आपका राइट right आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर संजय अगला आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ शकुंतलाज फर्स्ट ऑफ फादर इन अभिज्ञान शकुंतलम तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सी अगला आपका क्वेश्चन है हु इज द मेल प्रोटागोनिस्ट ऑफ मृच कटिका तो इसका जो आपका राइट right आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चारू दत्ता शूद्र का तो राइटर है मृक्ष कटिका का ये आपसे प्रोटागोनिस्ट uh, पूछ रहा है जो मेल में हीरो है इस चैप्टर का तो ये आपका हो जाएगा चारू दत्ता अगला आपका क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ मृक्षक तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शूद्र का आंसर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु इज द फादर ऑफ राम इन द रामायण तो आपको पता होगा दशरथ जी नाम है राम जी के पिता का ये क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ सवाल अगला है हु इज द मेन विलेन इन रामायण तो आपको पता है हीरो आपका राम जी हो जाएंगे और विलेन या फिर एंटागोनिस्ट जो भी कहो वो आपका रावण हो जाएगा तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था काफ़ी सिंपल क्वेश्चन सब था अब आते हैं दूसरे सेक्शन में यानी शॉर्ट क्वेश्चन वाले सेक्शन में यहाँ पे टोटल आपके पास छः क्वेश्चन दिए गए हैं और केवल और केवल आपको चार का ही आंसर देना है दो को इग्नोर करना है और चारों पाँच पाँच मार्क्स करके यानी बीस मार्क्स का ये आपका पार्ट टू है शॉर्ट स्टोरी वाला इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोड

अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्रिटिकली एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ चारू दत्ता फ्रॉम रिचकटी का एंड लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस द इन्वोकेशन सीन दैट रेफर्स टू द बर्थ ऑफ राम इन बालकांड यह आपका शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन वाला सेक्शन है अब लॉन्ग क्वेश्चन वाले सेक्शन में आते हैं यहाँ पे टोटल आपके पास पांच क्वेश्चन दिया गया है पांच में से केवल और केवल तीन का जवाब देना है और तीनों दस दस मार्क्स करके होंगे यानी तीस मार्क्स का ये आपका सेक्शन है पार्ट सी लॉन्ग क्वेश्चन वाला इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस अभिज्ञान शकुंतलम एज अ हीरोइक प्ले अगला क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द डाइसिंग एपिसोड इन महाभारत अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्केच द कैरेक्टर ऑफ शकुंतला अगला क्वेश्चन पूछा गया है शूद्रकाश मृचकटिका इज अ कॉमेडी दैट रिजॉल्व द सोशल क्राइसिस डिपिक्टेड इन इट डिस्कस एंड लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है हाउ डज बाल्मीकि द बर्थ ऑफ राम इन बालकान डिस्कस तो ये आपका पेपर है पेपर काफ़ी सिंपल था आप सभी का पेपर हो चुका है अब आप सभी अदर पेपर दे दीजिए जैसे ही आपका अदर पेपर हो जाता है मैं आप सभी के लिए सेमेस्टर टू का न्यू फ्रेश वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप मुझे मैसेज कीजिएगा मैं आप सभी को अपने व्हाट्सएप अप ग्रुप में ऐड कर लूँगा और हाँ अगर फ्यूचर में ऑनलाइन बैच स्टार्ट करूँगा तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दूँगा बाद बाकी आपको पार्ट वन की तरह ही पार्ट टू में यानी सेमेस्टर टू में भी ढेरों मदद करता रहूँगा